गाइस, आई एम हर्षिता चौहान और करेंगे पर्सनल बीएम ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज बेसिकली हम वीडियो में बात करेंगे कि लाइक कैसे ह्यूमंस जो है एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, उनको ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। तो चलिए हम बात करने चलते हैं लोगों से, मतलब आपका क्या नेचर को बहुत ज्यादा डिग्रेड करने की कोशिश करता है, मतलब अपने जीरे की डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रीज बननी है, ये वो। तो ये चीजें हमें एडवर्सली इफेक्ट करती है, फिर ह्यूमन और नेचर का जो वो रिलेशनशिप है वो फिर एडवर्स करती है। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? या श्योर। लाइक आपको क्या लगता है कि लाइक चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए लाइक चेंजेस आ रहे हैं या आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं या आप करते हो मतलब एनवायरनमेंट रही है? यूजिंग ऑफ जूट बैग्स एंड प्लास्टिक को बैन कर दिया, एंड देयर आर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दो तरीके के होते हैं, तो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को भी सेग्रीगेट। आप प्लास्टिक बॉटल यूज क्यों नहीं करते? लाइक आप स्टील की, मैंने देखा आप स्टील की यूज करते हैं। एज यू नो प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक से ऑस्मोसिस होता है, उसमें ना हम प्लास्टिक के अंदर कोल्ड कुछ कैरी कर सकते हैं ना हॉट कुछ कैरी कर सकते हैं, तो प्लास्टिक गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन है, तो इट इज़ बेटर टू यूज स्टील बॉटल्स दैन प्लास्टिक बॉटल्स। लोगों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो जूट बैग यूज करने लग गए हैं, अपनी बॉटल्स लाइक प्लास्टिक यूज नहीं करते, वो प्लास्टिक अवॉइड करते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस से लाइक हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा, ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट रहेगा और हम लाइक अच्छा रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच।